Hey everyone, once again, welcome back to my channel. So, मेरे पास है ये पार्सल जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अभी की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मेरे पास है टोटल ये चार पार्सल. तो ये मेरी मतलब सेकेंड लास्ट शॉपिंग है मीशो से. उसके बाद मैं कोई भी शॉपिंग नहीं करने वाली शायद, बिकॉज मुझे लगता है आई एम वेस्टिंग माई मनी. ओके, सो ये देख लेते हैं पार्सल को ओपन करके. और ये जो पार्सल मिला है मुझे, ये 228 रुपीज़ का मिला है ये. तो जल्दी से करते हैं इसको ओपन. तो इसको कर देते हैं ओपन. और सारे के सारे मैंने वाइट ड्रेस मंगाई है बिकॉज मुझे वाइट पहनना पसंद है. और मतलब ये मैंने इसलिए मंगाया, मेरा मन तो नहीं था मंगाने का, बट मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मुझे वीडियो शूट्स करने होते हैं कोलैबोरेशन के, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि वाइट ड्रेस होनी चाहिए, ब्लैक ड्रेस होनी चाहिए, पर्पल होनी चाहिए, अलाना फलाना ढिकाना. तो उसके लिए मैंने मतलब सोचा कि मतलब ये ऑर्डर कर ही लेती हूँ. और मेरी नाइटी भी ख़राब हो गई है. चलो भाई, ये तो बहुत ही प्रिटी ड्रेस है. मैंने इतना सोचा नहीं था कि मतलब 228 रुपीज़ में इतनी मस्त वाली ड्रेस आएगी. ओह माय गॉड, इसका कपड़ा बड़ा सही है यार. ओ भाई साहब, बिल्कुल वीआईपी वाली फीलिंग आ रही मुझे इसको देख के. चलो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं. ये हुई ना बात, 228 रुपये मैंने मतलब सही इन्वेस्ट. इसका लेस का वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. फुल तो मैं कैसे दिखाऊं यार, अभी फुल दिखाने के लिए बैकग्राउंड में स्पेस आप देख ही सकती हो. मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान है, मैं इधर उधर नहीं रख सकती क्योंकि मेरे घर वालों का कहना है कि कि तुम अभी इस घर में कोई भी लीपा पोती मत करवाओ और कोई ज़रूरत नहीं है इसमें घर में कुछ भी सजाने की. तुम अपने ससुराल जाना और वहाँ पे जाके अच्छे से रहना, उधरी सजाना उनका घर सजाना. ओ माय गॉड, तो ये मुझे क्या मिला? हमारे मूल्यवान ग्राहक होने के लिए धन्यवाद, हम आपके भारी हैं. चलो भाई, तो मैंने ये कोटोविया से मंगाया है. और ये मतलब ये वाली जो मैक्सी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. पकवान मैंने पता नहीं कहाँ से गलती से मंगवा लिया इसको. चलो मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट लास्ट, हाँ मतलब बहुत ज़रूरत क्या है मुझे. मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इतने सारे कि मुझे लगता है मैं शायद पहन भी ना पाऊँ 5-10 साल में. 5-10 साल तक अगर मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी तो ही ख़त्म होंगे. चलो भाई, नेक्स्ट पार्सल ओपन कर लेते हैं. टन टन टन, इसमें क्या है? तो ये है वाइट टॉप. तो मैंने सोचा यार, मैक्सी मंगा ली है तो वाइट टॉप भी मंगा लेती हूँ. ये है डबल एक्सल जो कि मुझे फिट आएगा, पता नहीं ट्रिपल एक्सल. ओके, तो मुझे ये पूरा फिट आएगा आई थिंक. इसको पहन के मैं वीडियो बनाऊंगी सेक्सी वाली और इंस्टाग्राम के लोगों को जलाऊंगी बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट ये वाला पार्सल देख लेते हैं ओपन करके. सो ये मैंने मतलब शॉर्ट्स मंगाई है क्योंकि मुझे वाइट पहनना पसंद है. और समर्स में यार मतलब पैंट जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत गर्मी लगती है. तो वैसे भी तो फिर मैंने इसको मंगा लिया. पता नहीं ओपन कहाँ से हो गई. एक जो मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट्स मंगाई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. और वाह, ये तो मेरा मैचिंग हो गया, इसमें भी लेस आई है. हाय, मेरी ड्रेस इतनी प्यारी लगेगी, मैंने सोचा नहीं था. वाइट कलर मतलब अच्छा लगता है यार. अब
अभी पहन के भी दिखाऊंगी सारी ड्रेसेस आप लोगों को, दिमाग खराब हो जाएगा देख के आप लोगों का। चलो नेक्स्ट, ये जो मैंने सूट मंगाई है, ये तो मैंने मंगाई है टोटल इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ये दिल वाले सूट हम लोगों ने जैसे ही देखी तो मुझे पसंद आई काफ़ी, तो सेल चल रही थी तो मैंने सोचा यार ऑर्डर कर लेती हूँ और देखते हैं प्रोडक्ट। चलो भाई, इसकी पैकेजिंग काफ़ी सही है, बाहर से तो ये कपड़ा मतलब इतना खास नहीं दिख रहा, पर देख लेते हैं इसको हम अच्छे से। अभी फोटो में तो आपको बहुत सही लग रही है ये। तो मतलब ठीक है यार, काम चलाओ, 350 रुपये में क्या ही जान ही लोगे बेचारे की। और ये देखो ये क्या है, ये चूतिया पाजा, व्हाट द हेल इज दिस। सो इसका ये दुपट्टा है दिल वाला। और जब भी मैं इसको पहन के जाऊंगी सो सबका दिल मुझ पे टिका रहेगा। कैसी लग रही हूँ मैं बताओ ज़रा। तो मतलब ठीक है, काफ़ी सही है। तो सबसे पहले मैं ड्रेस पहन के दिखाती हूँ, शॉर्ट से लॉन्ग ट्राई करूँ या लॉन्ग से शॉर्ट। आई थिंक मुझे शॉर्ट से लॉन्ग स्टार्ट करना चाहिए। चलो मैं इस ड्रेस को पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ लुक। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने ये ड्रेस पहन ली है और काफ़ी सही लग रही है ये, बट इसमें थोड़ी सी प्रेसिंग होती तो अच्छी लगती। और अजीब सी इसमें मच्छी जैसी स्मेल आ रही है, गंदी सी है। पता नहीं किसी ने पहना तो नहीं था इसको। बट मुझे ये पसंद आई। सो ये ड्रेस मतलब काफ़ी सही है फुल लुक दिखाने में। मैं मतलब अभी कैसे दिखाऊँ, कोई कैमरा मैन भी नहीं है मेरा, तो आप देख सकते हो काफ़ी ठीक है यार, डबल एक्सल साइज़ है ये और सही लग रही है, अच्छी लग रही है ये। पर इसकी चुन्नी में से इतनी गंदी बदबू आ रही, पता नहीं किसने मच्छी खा के इसको वापस पैक कर दिया होगा। पर ड्रेस में तो बिल्कुल भी ठीक है, इसको धुल के मैं अच्छे से पहनूंगी यार इजी से, बट ये सही लग रही है ड्रेस। चलो नेक्स्ट ड्रेस ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये वाइट वाला टॉप पहनती हूँ। सो शॉर्ट्स इसका काफ़ी सही है यार, मतलब 120 रुपए में मुझे मिला ये वाइट कलर का, और इसकी फिटिंग और इसकी लेस ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट मैं इसको वेयर कर लेती हूँ। ये नाइटी है, गाइज दिस वन इज माई फाइनल लुक, और ये ड्रेस काफ़ी सही लग रही है। सो ये रात के सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैंने उसको नाइट में पहनने के लिए ऑर्डर किया था। तो मैंने मैंने नहीं सोचा था यार ये इतनी अच्छी आ जाएगी, और इसका मटीरियल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मतलब मज़ा आएगा पहनने पर इसको। चलो मैंने कोई ढंग की जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए अपने। सो दिस वन इज माई फाइनल लुक, और आपको ये वाली नाइटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आपको भी ये ड्रेस चाहिए तो मीशो पे जाके खुद सर्च कर लेना, क्योंकि वह मीशो का लिंक कोई भी शेयर करो तो उसमें सिर्फ यही आता है कि लॉग इन करें, ठीक है? तो मेरे रेफरल नंबर से परचेस कर लेना यार, मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। सो गाइस, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा ड्रेस कौन सी वाली अच्छी लगी। ये नाइटी अच्छी लगी,
या फिर आपको ज्यादा पसंद आई वो सूट, सूट में या दुपट्टे में पता नहीं किसने मच्छी खा के उसको वापस से पैक कर दिया और दे दिया। इतना ज्यादा मतलब ऐसा तोड़ मोड़ के पता नहीं ये मच्छी खा के पैक किया है या पहना, पता नहीं क्या किया है, बड़ी गंदी सी मच्छी वाली स्मेल आ रही है इसमें से, और इसको धोना पड़ेगा फिर उसके बाद पहनूंगी इसको। भाई बड़ा दुख हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।